शुक्रिया। हम हिंदी सीख रही है। ओह माय गॉड, हिंदी मतलब अमेरिका में सीखा है संगठन के जरिए। यहाँ पे थे अमेरिकन जो हिंदी बोलते हैं। ओह माय गॉड। हेलो गाइस फ्रॉम नियाग्रा फॉल। और ये जो आप मेरे पीछे होटल देख रहे हैं, रात को हम लोग यहाँ रुके हुए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं नियाग्रा फॉल देखने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारी जो कार है हम लोगों ने यहीं पर ही होटल में छोड़ दिया है, और जो हमारा होटल है बिल्कुल नियाग्रा फॉल से 5 मिनट की ड्राइव पर है। तो हमने सोचा चलो वॉक करते हुए आपको आसपास का जो नज़ारा दिखाते हैं। हम लोग एक्चुअली कल रात को आए थे तो हमने यहाँ पर बड़े ही अच्छी सी कोई चीज़ देखी थी जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। वो बिल्कुल हमारे यहाँ पे होटल से बाहर निकलते ही हमें दिख रहा है, यहाँ पर है डोसा हट, इंडिया का झंडा लगा हुआ है। शुक्रिया। हम हिंदी सीख रही है। ओह माय गॉड, वेयर यू गाइस लिव? मैं फिलाडेल्फिया से हूँ। फिलाडेल्फिया से हो? अरे आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। हिंदी में बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा। I'm still learning. Okay, that's good. So you born in United States or somewhere? हाँ। And और आपने हिंदी मतलब अमेरिका में सीखा है? संगठन के जरिए। Okay. और हम like लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं। Okay. इसलिए हम अलग-अलग भाषाओं सीखते हैं। Oh wow, you guys really amazing. I'm shocked. I'm from India, New Delhi. New Delhi, I went there. Oh, you went there? How you like New Delhi? It's a big city, so I got to ride on a rickshaw. Oh my god. Yeah, so it's beautiful though. India is beautiful. So where you went in India, like just New Delhi or some other places? New Delhi, Jaipur. Jaipur. Huh? Jodhpur, we stayed a week. So to Taj Mahal. Oh my goodness. One day, ek din. Ek din. तो ये यहाँ पे मुझे मिले हैं अमेरिकन जो कि हिंदी बोलते हैं। मुझे आज तक कोई नहीं मिले थे जो कि हिंदी बोलते हैं। आलू टिक्की, अच्छा, I have to talk to them. They are reading so good. Yes, we're happy we found Indian food. But I'm really happy to meet you guys. So much, thank you guys. तो यहाँ पे थे अमेरिकन जो हिंदी बोलते हैं, मजा आ गया। तो यहाँ पे आ गया है मेरा आलू चाट। छोटी छोटी सी बहुत सारी चिड़ियाँ आई हैं और वो डर भी नहीं रही है, बिल्कुल पास में आके हमसे खाना मांग रही है। तो अभी फिलहाल मैंने खा लिया है। जो मैंने खाया था वो था समोसा चाट और $8.50 दिए थे। तो नियाग्रा फॉल पे बहुत सारी चीज़ें करने को है, उसमें से एक है मैड ऑफ द मिस्ट, जो कि आपको बोट है वो बिल्कुल जो झरना है उसके पास से घुमाते हुए लेके आती है। और दूसरा यहाँ पे गोट आइलैंड है जहाँ पे आप वॉक करके जा सकते। तो ये है लोकेशन जहाँ से मुझे अपनी बोट के लिए टिकट लेनी है, और जो टिकट है वो है $22.25 की जो है टिकट है एक बंदे की, और जो बच्चे हैं उनकी $13 की टिकट है। और इन्होंने लिखा हुआ है सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक आप बोट में जा सकते हैं, बट हर आधे घंटे में एक बोट चलती है। तो चलो टिकट लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ टूर भी हैं, अगर आप लोग टूर लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों को पूरी लोकेशन के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल बता रहे हैं ये जो साइड है ये अमेरिकन साइड है, और जो अदर साइड है वो है कैनेडा साइड। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एक ब्रिज आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो ब्रिज है ये है इमिग्रेशन ब्रिज। इस तरफ में अमेरिका का इमिग्रेशन है और उस तरफ में हो रहा है कनाडा का इमिग्रेशन। तो ये ब्रिज क्रॉस करके आप लोग जा सकते हैं कनाडा में। ओहो, अभी तो यहाँ पे ही पानी आने लग गया। देयर ही गाइस गेटिंग वेट मैन। मतलब जो झरना है उसका पानी नीचे से उड़ के आ रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और जो ये मेरा बड़े वाला कैमरा है इसको बस मैं यहीं तक ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप पूरे भीग जाओगे जब बोट के अंदर जाओगे क्योंकि वो झरने के पास से जाएगी। तो अब जो आप इसके बाद जो फुटेज देखोगे ना वो गोप्रो की होगी। फिलहाल यहाँ से जो कनाडा दिख रहा है मेरे को अच्छा लग रहा है, बिना गए कनाडा और कनाडा का मजा ले रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो वो जितनी भी उस तरफ में बिल्डिंग है वो सब कनाडा है। Thank you.
तो अभी हमें जाना है ऊपर की तरफ। तो अब मैंने निकाल लिया अपने बड़े वाला कैमरा। पहले जो आप लोग जितनी भी वीडियो देख रहे थे वो सब थी GoPro से। इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज बारिश आ रही है, बट ज़बरदस्त मज़ा आ गया भीगने के बाद भी। तो ये जो टूर है ये $22 का है और वर्थ इट है, मतलब जो नज़ारा आया है। तो होप्स हो कि जो मैंने कैमरे से शूट किया है GoPro से उसकी जो वीडियो होगी क्लियर होगी। अगर वीडियो क्लियर है तो कमेंट में ज़रूर करके बताना, और अगर आ रहे हो तो ये मिस मत करना। $22 वर्थ इट, मतलब पैसे आज इसी चीज के थे भीगने के। सो डेरिक, डिड यू लाइक इट? नो मिस्टर डेरिक, इतना भीग गए तो अच्छी लगी नहीं होगी। यू डिड नॉट लाइक इट बिकॉज़ यू गॉट रेड? इट मेस अप माय हेयर। नो, ज्यादातर लोग जो थे वो नीचे भाग गए, उन्हें पता था कि भैया भीग जाएंगे। बट मेरे को तो शॉर्ट लेना था आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ा फील कर पाए नियाग्रा फॉल को। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है ऊपर ही खड़े रहते हैं, भीग जाएंगे, बट आप लोगों को पूरा शॉट लेके दिखाते हैं। तो चलो, इस तरफ में मैं आप लोगों को दिखा रहा था सारा कनाडा है, और ये हम लोग आ गए हैं अमेरिका की साइड में। पीछे की तरफ मैंने ब्रिज बताया था। इस अगर आपको कनाडा जाना है तो इमिग्रेशन क्लियर करके इस ब्रिज से जाना पड़ेगा। और अभी लग रही है यहाँ पे ज़बरदस्त ठंड, क्योंकि पूरा भीग गए हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अब सीधा मिलते हैं आपको ऊपर की तरफ, और दूसरी तरफ से नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। Thank you. Yes, sir. God bless. Have a good day. तो अभी मैं लाइव गया था इंस्टाग्राम पे, और ये पूरी लोकेशन मैंने लाइव दिखाई है। अभी रात हो रखी थी इंडिया में। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम मेरा शंटी ड्रीम्स करके है, वहाँ पे मैं लाइव वगैरह आता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। अभी पहले हम लोग वहाँ नीचे थे बोट में, तो ये है ऊपर से नज़ारा। और यहीं पर पास में एक आइलैंड है जहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे, और आइलैंड भी दिखाते हैं। सुनने में आया बड़ा अच्छा आइलैंड है। आई एम फ्रॉम इंडिया। Yeah, I look like Spanish. Everybody talk to me in Spanish and I say poquito. तो अभी लोग मिले थे मेरे से, पूछ रहे हैं कि आप स्पेनिश लग रहे हो। मैं बोला कि नहीं, मैं इंडियन हूँ, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो ब्राउन है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम लोग इंडियन लोगों को सोचते हैं कि हम लोग जो हैं स्पेनिश है। बहुत सारी स्पेनिश कंट्री है। तो अगर आप कभी भी आते हो, अमेरिका आते हो, तो आप लोगों से भी लोग ऐसे ही स्पेनिश में बात कर देंगे या सोचेंगे कि हो सकता है कि आप स्पेनिश हो।
तो ये देख लिया है आप लोगों ने नियाग्रा फॉल का नज़ारा। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ओहायो में क्लीवलैंड, और रास्ते में आप लोग को दिखाएंगे हम लोग जब जा रहे होंगे तो बफलो सिटी। और बफलो जो सिटी है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क सिटी में। एंड व्हाई बफलो इज फेमस डैडी? बफलो इज फेमस बिकॉज़ इट इज होम टू द बफलो सॉस। बफलो सॉस, ओके। इट इज अ सिटी ऑफ नेबर्स। हां, मींस दे हैव अ गुड नेबर्स। या, ओके। गेट्स अ लॉट ऑफ स्नो। तो अभी मैं पहुंच गया हूं क्लीवलैंड ओहायो के डाउनटाउन में, और रास्ते में बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, थोड़ा ड्राइव करना हमें मुश्किल हो रहा था, एक दो एक्सीडेंट भी देखे, बट जैसे तैसे करके धीरे धीरे ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए हैं सेफली क्लीवलैंड ओहायो में। और मेरे को सही में डाउनटाउन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ की कोई अच्छी सी वीडियो आप लोग को बना के दिखाने की। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, आई लव यू दोस्तों। हवा बड़ी मस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है।